अभी एक डेढ़ घंटे में सनसेट हो जाएगा और बहुत ही मस्त लग रहा है। आई डोंट नो, शायद मैं पूरा काला आ रहूँगा क्योंकि बैकग्राउंड में सन है। वेदर अच्छा है ना? वेदर अच्छा है, लोग बहुत ही कम है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। जैसलमेर में ऐसी कोई प्लेस है जहाँ से ये इसका फोर्ट नहीं दिखता? नहीं, जैसलमेर है ही छोटी सी जगह, उसमें तो हर जगह से हर कोने से दिखता है। अभी एक प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है तो आप यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी कर सकते हैं। दिस इज अ नाइस प्लेस टू डू दैट। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम लोग उठ गए शाम के बजे 4, दो ढाई घंटा आराम से सो गए थे। अभी डिनर करके जस्ट नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो अभी का प्लान ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं गढ़ी सागर लेक, जहाँ आर्टिफिशियल लेक है जैसलमेर में, वो देखने जाएंगे। और उसके बाद व्यास छत्रिया करके एक प्लेस है जो सनसेट पॉइंट के नाम से भी फेमस है, तो व्यास छत्री पे सनसेट देखने जाएंगे। अभी तो दो ही प्लान है और शायद ऐसा हो सकता है कि नाइट का जो हमारा सिटी का जैसलमेर का प्लान है पूरा कवर करने का, तो वो भी करें। सो जितने भी प्लेसेस कवर करेंगे वो इस वीडियो में आएगी। तो पहुंच गए हम लोग गढ़ी सागर लेक पे। हमारे होटल से कुछ 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर ही दूर है, तो 5 मिनट का ही रास्ता है। और जैसल करना बहुत छोटी सी प्लेस है, मतलब सारी चीज़ें आसपास ही है। एज यू कैन सी लेक यहाँ मेरे पीछे और सामने ही फोर्ट है, वो भी यहाँ से दिखता है। तो अंदर चलते हैं और यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रेंट पे ट्रेडिशनल कपड़े लेके फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे लेक पे बोटिंग करने के लिए और 600 रुपये है 3 लोगों के। और आपको बोट नहीं चलानी है, बोट वाले भैया आएंगे साथ। अगर आपको पर्सनली बोट चलानी है तो 200 रुपये पर पर्सन है। तो उसमें आपको सामने जैसा वो बोटिंग कर रहा है ऐसी बोट्स आपको मिलेगी, तो वहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। हमारा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, हमने बहुत ज़्यादा बोटिंग के तो सोचा। बहुत बोरिंग है एक्चुअली, मैं लास्ट टाइम थक गई थी। हम लोगों ने माउंट आबू में किया था, बहुत बोर हो जाते हैं, इसलिए सोचा कि इस बार सिर्फ ऐसे मज़े लेते हैं। तो 600 रुपये में 3 लोगों का है, 6 सीटर है ये बोट, तो आप 3 लोगों को भी पर्सनली बैठा सकते हैं। पहली बार मैं बोटिंग में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हम बोट नहीं चला रहे हैं। और दूसरा कि सनसेट का टाइम होने वाला है, मतलब अभी बज रहा है 4:40, अभी एक डेढ़ घंटे में सनसेट हो जाएगा और बहुत ही मस्त लग रहा है। आई डोंट नो, शायद मैं पूरा काला आ रहूँगा क्योंकि बैकग्राउंड में सन है। वेदर अच्छा है ना? वेदर अच्छा है, लोग बहुत ही कम है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत सही समय पे निकल आए, अदरवाइज ये पीछे भीड़ देख रहे हो आप। हम आए थे तब इसका 10% भी नहीं था और अभी बहुत ही परफेक्ट टाइम पे आए। टाइमिंग बहुत अच्छी है आई गेस। हाँ, बहुत लकी है। अब जल्दी जल्दी चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि वहाँ पे सनसेट में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होगा। क्या बोल रही, कैसे चलेगी? तो ऐसे क्यों, उसका कोई खास रीज़न? क्योंकि मेरे पैर में मिट्टी चली गई थी, मैंने अभी पैर साफ किए हैं, जूते पहन के आना मैं भूल गई, मेरे को लगा था जूते पहनने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी हम लोग आ गए हैं व्यास छतरी पे। यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। अगर आप कैमरा लेके आ रहे तो उसके मोबाइल के एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ है। सो हमने 3 लोग के 50 और एक कैमरा के 50, मतलब 200 रुपीज़ दे दिए। और अंजलि यहाँ बकवास कर रही है रील्स बनाने के लिए अपनी। बकवास में कर रही हूँ बट होने कुछ नहीं वाला, कोई रील्स तो बनाती नहीं है। रील्स बनाओगे ना, कुछ जगह तो होनी चाहिए रील्स बनाने के लिए। अभी वहाँ से देखते हैं सनसेट। तो यहाँ पे सामने मैं आपको दिखाता हूँ वो छतरियों के आकार का पूरा स्ट्रक्चर, इसीलिए इसे व्यास की छतरियाँ बोलते हैं। और ये सनसेट पॉइंट, एज अ सनसेट पॉइंट बहुत ही फेमस है। तो अगर आप बड़ा बाग नहीं जाना चाहते, कोई अच्छी सी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस काइंड ऑफ बोल सकते हो आप, एक्सप्लोर करना चाहते हो, सो दिस इज़ द वन। जैसलमेर में ऐसी कोई प्लेस है जहाँ से ये इसका फोर्ट नहीं दिखता? नहीं, जैसलमेर है ही छोटी सी जगह, उसमें तो हर जगह से हर कोने से दिखता है। जैसा लगता है जैसलमेर ना अमरेली जैसी जगह है, 3-4 किलोमीटर वाली है पर अच्छी है।
अच्छी है, रोड अच्छी है। थू 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 थू, मुड़ खराब कर दिया पूरा बंदे ने, पूरा मुड़ खराब कर दिया। अमरेली से कंपेयर कर जैसे मेरे को तौबा तौबा तौबा, सारा मुड़ खराब। आतू आतू अगर तुझ पे आतू सीरियसली। फोटोग्राफी के लिए बहुत ही मस्त प्लेस है। सनसेट हो गया, हमने सनसेट देखा नहीं क्योंकि हम लोग फोटोज़ क्लिक कर रहे थे। सो अगर आपको फोटोज़ देखनी है ये प्लेस की तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आपको फोटोज़ मिल जाएगी, बिहाइंड द सीन्स और अपडेट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे अभी एक प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है, तो आप यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू डू दैट। और अभी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं चल रहा है। करण, प्री वेडिंग शूट करना हमने नहीं किया था एक्चुअली, हमारा हम पोस्ट वेडिंग करते हैं। हम पोस्ट वेडिंग करते हैं एनिवर्सरी पर, ठीक है। हमने थोड़ा थोड़ा कर तो लिया अभी। कौन सा? तो तुझे रील नहीं बनानी? नहीं बनाई तुझे वापस? तूने वापस तूने वापस रील नहीं बनाई? मेरा तुम वो वाला शूट ही नहीं कर रहे ऐसे, धनुष वाला। तो तूने दिखाया नहीं कैसा करना है शूट, तो कैसे? मैंने बताया तो सही, ऐसे तीर निकालना है, ऐसे करना है, बस करते है तो वो सनसेट हो जाता। अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम पे अच्छा है तो प्लीज अंजलि की थोड़ी हेल्प कर दीजिए, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं बहुत अच्छी हूं, आई एम अ डार्लिंग, सस्ते इन्फ्लुएंसर। अभी सुबह की मैं बात बताऊंगी, वो मैंने अभी तक बताई नहीं है, झगड़ा डिस्कस नहीं करती। मैं इसका गला घोट देती और आशु को पानी में गहा कर देती, बोट में से, बोट में से। मैंने दोनों को जल समाधि लगानी थी आज दोनों की। आशु ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रॉपर्टी का आधा मालिक वही ऐसे घूम रहा है। ये देखिए ये वाला थोड़ा प्लॉट महंगा है, वो वाला थोड़ा सस्ता पड़ेगा। सनसेट ख़त्म हो जाने के बाद, सनसेट हो जाने के बाद हम लोग आए हैं सनसेट पॉइंट पे। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सनसेट। देखिए सनसेट पीछे छूट गया है। तुम दोनों व्लॉग के लायक नहीं हो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ फिर भी कुछ बोलते नहीं हो। हम एक काम करते तो धक्का दे देते, फिर व्लॉग के लायक हो जाएंगे हम दोनों। पर आप उधर क्यों खड़े हो रखे थे फिर? कहाँ पे? हमारे साथ ही खड़े थे ना आप। सनसेट हो रहा था तो एक्चुअली क्या है, ये व्लॉग में हम लोग को बुरा बनाना चाहते हैं। वहाँ खड़े होकर इतने पोज दे देते, अच्छा फोटो खींच रहा है, चश्मे लगा लगा के फोटो खींच रहा है, हमें बोल रहा है पापी। अच्छा इस एंगल से ले ले, अच्छा उस एंगल से भी ले ले, ठीक है आओ जो जल्दी। देखो देखो आप अपनी बेइज्जती तो बना कर, अब बंद कर रहा है व्लॉग। भाई पोल खोलूंगा मैं धीरे-धीरे तेरी। देखा, बाय बाय। सो गाइज आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। दो ही प्लेसेस थे हमारा विजिट करने के लिए, तो दोनों हमने विजिट कर लिया है, बोटिंग कर ली है, यहाँ पे सनसेट कर लिए। क्या हो गया? आजा जल्दी, आजा जल्दी, आजा व्लॉग में। फिर से भागती भागती रहना चाहती व्लॉग में। मैंने ऐसा बोला आज का कार्यक्रम हमारा समाप्त हो चुका है, दो प्लेसेस थे वो कवर कर लिए। करो ना पीछे, वो भी बोटिंग हो गई। हाँ भाई चलो, आशो बोला ये अच्छा आ रहा बैकग्राउंड, ये सीनिक ज्यादा व्यू है हमारा, सीनिक है। So guys, that's it for today's video. अगर ये वीडियो पसंद आए then please hit the like button. नए हो सब्सक्राइब करें, also hit the notification bell icon ताकि जो next vlog live हो जैसलमेर का उसको सबसे पहले आपको अपडेट मिले। And we'll see you guys in our next video. Bye. Yo.